हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे श्रेणियों का उतराव। श्रेणियों का उतराव अर्थात उच्च श्रेणी के यौगिकों को निम्न श्रेणी के यौगिकों में किस प्रकार बदला जा सकता है, रूपांतरण किस प्रकार किया जा सकता है, हम समझेंगे। देखिए, पहला है एसिटाल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड किस प्रकार बनाया जा सकता है और एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, इसे हम हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा रूपांतरित कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है उसमें प्राथमिक अभिकारक जो होता है वो होता है एसिड एमाइड या अम्ल एमाइड होता है, अम्ल एमाइड CH3CONH2। CONH2 ये एमाइड क्रियात्मक समूह है, ये इसी एसिड एमाइड अर्थात अम्ल एमाइड हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में प्राथमिक अभिकर्मक के रूप में होता है। अर्थात हमें इसे जो भी पदार्थ है उसको पहले एसिड एमाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और एसिड एमाइड में बदलने के लिए हमें उसे पहले अमोनियम एसिटेट में बदलना पड़ेगा और अमोनियम एसिटेट में बदलने के लिए सबसे पहले उसको अम्ल में रूपांतरित करना पड़ेगा। जैसे एसिटाल्डिहाइड, हम जानते हैं एसिटाल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। अब हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के लिए इस एसिटाल्डिहाइड को हमको पहले अम्ल एमाइड में बदलना पड़ेगा। इसके लिए हमें पहले इसे अम्ल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और अम्ल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका किसी ऑक्सीकारक जैसे K2Cr2CO1 पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय माध्यम में H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कर देते हैं। ऑक्सीकरण कर देने से ये एसिटाल्डिहाइड एक ऑक्सीजन के जुड़ने से CH3COOH एक ऑक्सीजन के जुड़ने से अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस अम्ल की अभिक्रिया हम अमोनिया से कर देते हैं। अमोनिया से करने पर बनता है CH3COOH4 NH3 और ये एक जुड़ने से NH4, ये बन गया अमोनियम एसिटेट। अमोनियम एसिटेट बना। इस अमोनियम एसिटेट को अगर गर्म किया जाए तो गर्म करने पर इसमें से जल का एक अणु बाहर निकल जाता है और जल के अणु के बाहर निकलने से बन जाता है CH3CONH2 एसिड एमाइड। ये एसिड एमाइड बना, ठीक है। तो यहां हम हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हम जानते हैं कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में किसी अम्ल एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन से प्रबल क्षारीय KOH की उपस्थिति में, प्रबल क्षार KOH की उपस्थिति में जब एसिड एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन से की जाती है तो एसिड एमाइड का जो ये कार्बन है ये CO3 के रूप में बाहर निकल जाता है। ये हम हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में देख सकते हैं, ठीक है। और जिससे बन जाता है CH3NH2 प्राथमिक एमाइड। इस CO के बाहर निकलने से, कार्बोनेट के रूप में बाहर निकलने से CH3NH2 प्राथमिक एमीन मेथिल एमीन बन जाता है। इस मेथिल एमीन की अभिक्रिया अगर हम नाइट्रस अम्ल HNO2 से कर दे तो ये प्राथमिक एमीन एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल मेथिल एल्कोहल में बदल गया। इसमें से OH क्रियात्मक समूह निकलकर ये NH2 को प्रतिस्थापित करके और एल्कोहल मेथिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब इस मेथिल एल्कोहल का वी हाइड्रोजनीकरण अर्थात जब इसको कापर की नली में से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करते हैं तो ये फॉर्मेल्डिहाइड HCHO में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात इस प्रकार एसिटाल्डिहाइड को फॉर्मेल्डिहाइड में बदला जा सकता है। ये हमने इसे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा बदला, ठीक है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में प्राथमिक अभिकारक जो होता है वो होता है एसिड एमाइड, अम्ल एमाइड। इस अम्ल एमाइड में बदलने के लिए हमने एसिटाल्डिहाइड को सर्वप्रथम ऑक्सीकरण के द्वारा अम्ल में कन्वर्ट किया, अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया से कराकर अमोनियम एसिटेट में बदला, उसको गर्म करने पर जल के अणु को निकालकर एसिड एमाइड में बदला और एसिड एमाइड की अभिक्रिया हमने ब्रोमीन और प्रबल क्षार के OH से कर दी जिससे वो प्राथमिक एमीन में बदला, जिसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करने पर वो मेथिल एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ और वी हाइड्रोजनीकरण अर्थात
मेथिल एल्कोहल को कॉपर की नली में से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करके उसे हमने फॉर्मेल्डिहाइड में बदल दिया। इस प्रकार एसिटाल्डिहाइड से फार्मिक अम्ल बदला। हम दूसरे भाग में देख रहे हैं एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल, मतलब यहां से अभिक्रिया स्टार्ट हो रही है, यह एसिटिक अम्ल है। इस भाग को अगर हम हटा दें, इस भाग को हटा दें, अब हम स्टार्ट करेंगे एसिटिक अम्ल से, वही क्रिया होगी। अमोनिया किसे क्रिया कर अमोनियम एसिटेट में बदलेंगे, गर्म करने पर जल के अणु को निकलने से एसिटेमाइड बना, फिर इस एसिटेमाइड पर हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया लगाने से प्राथमिक एमीन बन गया। ये प्राथमिक एमीन जो बना नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके उसको हमने एल्कोहल में बदल दिया, और वी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा हमने उस एल्कोहल को फॉर्मेल्डिहाइड में बदल दिया। इसमें से हमने एक H2 हाइड्रोजन के एक अणु को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अगर इस फॉर्मेल्डिहाइड का पुनः से K2Cr2O7 किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कर दें तो ये फार्मिक अम्ल में इस ऑक्सीजन के यहाँ जुड़ने से HC2O और AH फार्मिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल बनाया जा सकता है। यह है श्रेणियों का उतराव, या उच्च श्रेणी के यौगिक को निम्न श्रेणी के यौगिक में किस प्रकार बदला जा सकता है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें।